हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के बारे में सो so लेट्स स्टार्ट सेगमेंटेशन एक टॉपिक है जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम स्टडी करते हैं सो so, uh, सेगमेंटेशन के बारे में समझते हैं पहले हम एक स्टोरी देखते हैं स्टोरी की हेल्प से हम समझेंगे कि सेगमेंटेशन होता क्या है सो लेट्स कंसिडर योर आपके पास एक बुक uh, एक बुक स्टोर है तो आप उसमें डिफ़रेंट टाइप्स ऑफ बुक्स सेल करते हो लाइक like, आपने हिस्ट्री की बुक्स रखी हुई है आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वहाँ पर बुक्स रखी हुई है अपने बुक स्टोर में और जो फाइनेंशियल से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो आपने रखी हुई हैं तो तीन कैटेगरी आपके पास हैं जो आपने बुक स्टोर में रखी हुई हैं किताबें नौ बाद में आप देखते हैं कि आपको पता चलता है कि जो लोग हैं जो रीडर्स हैं वो फिक्शनल बुक्स भी पढ़ रहे हैं सो फिक्शनल बुक्स में जो कि जिनमें कहानी होती है लाइक हैरी पॉटर इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फिक्शनल बुक तो आप ये देखते हो कि चलो एक बार एनालाइज करते हैं जो रीडर्स का डाटा है उसको एनालाइज करते हैं कि कौन से लोग जो कितने लोग जो हैं किस किस तरह की किताबें पढ़ते हैं तो जब आपने जो अपनी ऑडियंस को एनालिसिस किया अपने रीडर्स को एनालिसिस किया तो आपने देखा देयर आर एट्टी सिक्सटी एट परसेंट ऑफ पीपल पीपल हु रीड फिक्शनल बुक्स हु रीड फिक्शनल बुक्स तो ये तो देखिए आप बहुत बड़ा एक चंक है इसका पूरे सर्कल का और सिर्फ फोर्टीन परसेंट लोग ही हिस्ट्री पढ़ते हैं या और टेन परसेंट ही लोग टेक पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और एट परसेंट ही सिर्फ फाइनेंशियल से रिलेटेड किताबें पढ़ते हैं तो ये नंबर जो है ये बहुत कम है जो आपने बुक्स रखी हुई हैं अपनी बुक स्टोर में वो बहुत ही कम है उनको जो पढ़ने वाले लोग हैं बहुत कम हैं लेकिन अगर आप फ़िक्शनल वाली बुक देखें तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ना पसंद करते हैं सिक्सटी एट परसेंट इज़ अ बिग नंबर सो जब आपको ये पता चलता है जो अभी ये डाटा आप एनालिसिस करते हो आपको पता चलता है कि फ़िक्शनल बुक्स जो हैं काफ़ी लोग पढ़ना पसंद करते हैं उसके बाद आप क्या करते हो आप अपनी बुक्स की कस्टमाइजेशन uh, करते हो इस तरह से कि वो फिट हो सके डिफरेंट डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक जोग्राफिक और फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स और वांट्स कंसीडरिंग हाउ दे आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड बिहेवियरली टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो दैट इट कैन एनहैंस दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बुक स्टोर देखिए जैसे आपने यहाँ पर डाटा एनालिसिस किया और आपने देखा कि यहाँ बहुत से लोग जो हैं फिक्शनल बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं तो आपने क्या किया अपने बुक स्टोर में कस्टमाइज़ करना स्टार्ट कर दिया बुक्स को आपने जो फिक्शनल बुक्स हैं उनको भी रखना स्टार्ट कर दिया मैक्सिमम उनको रखना आपने स्टार्ट कर दिया अपने बुक स्टोर्स में विच क्लोजली जो क्लोजली फिट कर रहा है डेमोग्राफिक या साइकोग्राफी और जियोग्राफिकल और या फिर बिहेवियरल रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल तो इनके बेसिस पे आपने आ, जो है बुक्स रखना स्टार्ट कर दिया फिक्सनल बुक्स अपने बुक स्टोर में नाउ जब भी सो कस्टमाइजिंग योर प्रोडक्ट्स टू फोकस ऑन सेगमेंट सेगमेंटेड मार्केट वेयर कंज्यूमर शेयर कॉमन इंटरेस्ट और वांट्स एंड बिहेव सिमिलर मैनर टू पर्टिकुलर ऑफरिंग दिस सेट ऑफ कस्टमर्स आर कॉल्ड मार्केट सेगमेंट तो जब आप अपने प्रोडक्ट्स को जब अपने प्रोडक्ट्स को फोकस रखते हैं वो आप एक सेगमेंटेड मार्केट में जहाँ पर जो लोग हैं वो सिमिलर वॉन्ट्स और नीड्स को शेयर करते हैं या फिर वो सेम तरह से बिहेव करते हैं तो उन कस्टमर्स को हम बोलेंगे मार्केट सेगमेंट जिसमें कि Uh, कुछ लोग जो हैं नीड्स को वॉन्ट्स को शेयर करते हैं जिनके इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं ऐसे कस्टमर्स का जो ग्रुप है उसको आप मार्केट सेगमेंट बोलेंगे एंड वी कैन से सो मार्केट सेगमेंटेशन का यहाँ मतलब क्या हुआ सो मार्केट सेगमेंटेशन इज एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स मेक ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर needs and wants and tailor their product, service and marketing strategy to better meet their specific needs and preference to each segment. देखिए तो market segmentation हमने इसे ये समझा एक process है जिसमें आप identify करते हो लोगों को ऐसे लोगों को जिनकी जिनकी needs same है जिनकी wants same है और उसी तरह से आप अपने product को या service को उन तक पहुँचाते हो उनके प्रोडक्ट और सर्विस जो उसी उन्हीं नीड्स एंड उनकी वांट्स के अकॉर्डिंग आप उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाते हो और उनको आप डिलीवर करते हो उन लोगों के लिए सो so, ये प्रोसेस है सेगमेंटेशन का दिस इज़ कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन आइडेंटिफाई करते हो लोगों को जिनके पास सिमिलर नीड्स है सिमिलर नीड्स हैं एंड आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग सो so, जब भी हम सेगमेंटेशन करते हैं उसके कुछ बेसिस होते हैं किन बेसिस पर हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था व्हेन योर वैन यू कस्टमाइज़ योर बुक्स कैटेगरी क्लोजली फिट टू डिस्टिंक डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक और जियोग्राफिकल इन बेसिस पर जब आप अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी को रखेंगे तो ये जो बेसिस हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे किन किन बेसिस पर हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं सो फर्स्ट इज डेमोग्राफिक सेकेंड इज़ साइकोग्राफिक थर्ड इज़ जियोग्राफिक एंड फोर्थ वन इज़ बिहेवियरल सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स विच इंक्लूड्स एज जेंडर और इनकम अब देखिए आपका जो यूज़र्स हैं जो लोग हैं उनकी जो नीड्स है उनकी जो नीड्स है उनकी जो नीड्स एंड वांट्स है वो बाय बाय द एज चेंज हो जाती हैं बाय दी एज चेंज हो जाती हैं अब फाइव टू टेन ईयर फाइव टू फाइव टू टेन ईयर अगर कोई किड uh, uh, है तो उसकी जो नीड्स हैं फूड के लिए मे बी अलग हों मेड भी डिफरेंट लेकिन वही अगर कि फिर फिफ्टीन या सेवेंटीन की एज में आ जाए तो उसकी जो फूड प्रेफरेंस हो उसे कुछ और खाना पसंद हो लेकिन जैसे जैसे ऐज बढ़ती जाएगी लाइक थर्टी आप या फिफ्टी हो गए तो इसमें क्या आप फूड कॉन्शियस सॉरी आप हेल्थ कॉन्शियस होंगे हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो आप क्या है घर का खाना ज़्यादा पसंद करेंगे और आपकी ड्यू टू योर एज आप बाहर का खाना कम पसंद करेंगे लेकिन आपकी एज अगर फिफ्टीन सेवनटीन या ट्वेंटी के आसपास हो तो आप जंक फूड या जो बाहर का खाना है जो तो आप वो खाना पसंद करेंगे या आप खाना चाहेंगे लेकिन जैसे जैसे आपकी जो एज है एज बढ़ेगी तो आपके जो फूड का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा सो इसके बेसिस पर भी मार्केट सेगमेंटेशन किया जा सकता है आपकी एज भी एज को ध्यान में रखते हुए ठीक है लाइक like, अगर कोई एक क्लोदिंग कंपनी है तो वो एक चाइल्ड uh, के लिए भी क्लोथ्स uh, बना सकती है ठीक है या फिर अगर कोई टीन uh, teen है टीन हैं लाइक फिफ्टीन टू एटीन एज के लोग तो उसमें भी वो क्लोदिंग uh, बना सकती है उसमें भी वो क्लोथ्स बना सकते हैं तो ये भी एक सेगमेंटेशन का जरिया हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एज नाउ सेकेंड है जेंडर अब कोई ऑटोमोल कंपनी है जो स्कूटर बनाती है तो अगर कोई कंपनी स्कूटी बनाती है और किसी एरिया में जो पॉपुलेशन है जो पॉपुलेशन है वो फीमेल की ज़्यादा है फीमेल्स की ज़्यादा है तो वो ट्राई करेंगी कि वो स्कूटी को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए बिकॉज जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं स्कूटी को चलाना रादर देन बाइक रादर देन बाइक वो स्कूटी को बनाएंगे बिकॉज दी फीमेल्स आर मोर कम्फर्टेबल विद स्कूटी हाँ कुछ फीमेल्स बाइक भी चलाना पसंद करते हैं लेकिन जो मैक्सीम है वो स्कूटी चलाना पसंद करते हैं तो उसमें होगा क्या जेंडर के बेस पर जब हम सेगमेंटेशन करेंगे और एक ऐसा एरिया जहाँ फीमेल्स बहुत ज़्यादा रहती हैं तो जो कंपनी होगी वो स्कूटी जो है वो ज़्यादा मैनुफेक्चर करेगी एज़ कंपेयर टू बाइक सो जेंडर के बेस पर जे, जेंडर के बेस पर भी सेगमेंटेशन किया जा सकता है और थर्ड जो वेरिएबल है वो है इनकम तो इनकम के बेस पर भी सेगमेंटेशन uh, किया जा सकता है सपोज तीन ग्रुप हैं पहला ग्रुप है जो लो इनकम ग्रुप है सेकंड है जो मिड है और थर्ड जो हाई इनकम है अगर आपने कभी नोटिस किया होगा जो कुछ लग्जरी ब्रांड होते हैं लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो सिर्फ जिनकी इनकम जो है हाई है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं वो मिड या लो इनकम को टारगेट नहीं करते लेकिन कुछ कार कंपनीज़ हैं जो कि सिर्फ मिड को ही टारगेट करती हैं ज़्यादातर वो मिड को या लो को टारगेट करती हैं सो so, इनकम भी एक बेसिस हो सकता है सेगमेंटेशन के लिए नेक्स्ट जियोग्राफिक देखिए आपकी जो फिज़िकल लोकेशन है उसके बेसिस भी उसके बेसिस पर भी सेगमेंटेशन किया जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो अगर कोई एक क्लोदिंग कंपनी है तो वो कैसे सेगमेंटेशन करेगी मैं जियोग्राफिक लोकेशन के बेसिस पर बता रहा हूँ जिसे नॉर्थ इंडियन में आपने देखा होगा जो नवंबर या दिसंबर या जनवरी का जो मंथ्स होते हैं ये तीन ये जो क्वार्टर होता है तो इसमें क्या जो विंटर है यहाँ टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है इस वाले एरिया में नॉर्दन की मैं बात कर रहा हूँ और साउथ में इतनी ठंड जो है नहीं पड़ती तो उससे क्या होगा जो क्लोदिंग कंपनी है वो सेगमेंटेशन कर सकती हैं इस तरह से कि जो विंटर आएगी तो वो जो वूल वुलन क्लोथ्स होंगे वो नॉर्थ इंडिया में सेल होंगे यहीं पर ज़्यादा सेल होंगे ना बिकॉज़ यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर वो ज़्यादा सेल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लोग पहनेंगे नहीं बिकॉज़ यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती नहीं तो क्लोथिंग कंपनीज़ के लिए ये जोग्राफिकल जो लोकेशन है उसके बेसिस पर भी वो मार्केट को सेगमेंटेशन कर सकते हैं बिकॉज़ नॉर्थ हम बोल सकते हैं नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया सो इसके बेसिस पर वो उसको सेगमेंट कर सकते हैं मार्केट को नेक्स्ट है साइकोग्राफिक आपके इंटरेस्ट आते हैं आपकी पर्सनैलिटी आती है आपकी वैल्यूज आपके लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल की बात करूँ दे हैव रनिंग आउट ऑफ टाइम वो काफ़ी बिजी रहते हैं अपने काम में घर में तो उससे क्या जो फूड कंपनीज हैं फूड कंपनीज हैं उन्होंने कैसे मार्केट को सेगमेंटेशन segment, किया रेडी रेडी टू ईट या फिर रेडी टू कुक उन्होंने इसके बेसिस पर सेगमेंटेशन कर दिया लाइफ के ऊपर उन्होंने देखा कि जो काफ़ी लोग हैं वो बिज़ी रहते हैं अपने काम में उनको टाइम नहीं होता खाना बनाने का तो उन्होंने कहा उनके लिए ये स्पेशल मील बना दी रेडी टू तो कुक और रेडी टू तो ईट जो ज़्यादा बिजी हैं और जो कम बिजी हैं उनके लिए वो रेगुलर फूड बनाते हैं जिससे कि वो घर पे बना सकते हैं या जो मैगी का अगर मैं एग्जांपल दूँ जो कि आप हॉट वाटर में डालो और वो रेडी हो जाती है उसमें मसाले वगैरह सब कुछ पहले से ही होते हैं तो दे आर परफेक्टली फिट दैट प्रोडक्ट इज परफेक्टली फिट इन दिस कॉन्टेक्स्ट लाइफ स्टाइल की मैं अगर बात कर रहा हूँ सो आई होप यू गेटिंग दिस नेक्स्ट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन सो वैन वी डू डू सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ दर्चेज बिहेवियर ऑफ द बायर कि बायर का जो बिहेवियर है परचेजिंग बिहेवियर जो है उसके बेसिस पर हम सेगमेंटेशन करते हैं लाइक like, कोई बायर है तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कि वो आ, कितना फ्रीक्वेंट किसी प्रोडक्ट को ले रहा है हम देख सकते हैं कि वो आ, कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है अगर किसी के पास उनके पास चार प्रोडक्ट है तो वो किसको ज़्यादा सेलेक्ट कर रहा है ये भी एनालाइज़ कर सकते हैं जो स्टोर है जो स्टोर है जैसे कि मैंने आपको बुक का एग्जांपल बताया तो आपके पास फाइनेंशियल टेक और हिस्ट्री तीन तरह की किताबें थी तो आप क्या है वो जो फोर्थ वन है जो कि मैंने बताया फिक्शनल तो उसमें क्या हो रहा है कि ये वाली जो कैटेगरी है ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है बहुत लोग इसे ले रहे हैं तो इसके बेसिस पर भी आप क्या है मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं और डिसीजन रोल के बेसिस पर भी क्या वो जो बायर है वो इनिशिएटर है या इन्फ्लुएंसर है या डिसाइडर है बायर है या फिर यूजर है तो बिहेवियर सेगमेंटेशन के बेसिस पर भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं एंड नीड्स एंड बेनिफिट्स नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द ऑफ द बायर इसके ऊपर भी हम इसके बेसिस पर भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं सो नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन प्रोसेस सेगमेंटेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है अगर हम स्टार्ट देखें तो पहले तो हम सेगमेंटेशन करते हैं कि अगर एक बहुत बड़ी मार्केट है तो उसे हम पहले डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कंज्यूमर्स में जिनकी नीड्स जो है सेम होती है मान लीजिए ये वाला जो सेक्शन है इनकी जो नीड्स हैं वो कुछ और हैं हमने इनका एक क्लस्टर बना दिया एक ग्रुप बना दिया और यहाँ का जो ग्रुप है इनकी अलग नीड्स हैं तो हमने इनका अलग ग्रुप बना दिया वैसे ही यहाँ भी हमने कर दिया नाउ टारगेटिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि आपके पास हिस्ट्री है हिस्ट्री की बुक्स हैं आपके पास फाइनेंशियल आपके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हैं और आपके पास फिक्शनल भी बुक्स हैं तो आप क्या देखोगे कि यार यहाँ भी लोग आ रहे हैं यहाँ भी आ रहे हैं यहाँ भी आ रहे हैं आ तो सारे में ही रहे हैं हर कोई बुक्स ले रहा है अलग अलग टाइप की लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ली जा रही है तो इससे क्या होगा आप इसी सेगमेंट को इसी सेगमेंट को चूज़ करोगे और इन्हीं को जो मैक्सिमम बुक्स है आप फिक्शनल रखोगे तो इसे हम बोलते हैं टारगेटिंग मीन्स सेलेक्टिंग दी बेस्ट सेगमेंट आउट ऑफ टोटल सेगमेंट्स कि जो आपके पास अगर छः ग्रुप आ रहे हैं छः ग्रुप आ रहे हैं तो उसमें से जो बेस्ट सेगमेंटेशन जो से बेस्ट सेगमेंट कौन सी है कौन सी ऐसी सेगमेंट है जो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सकती है उसको चूज करना इज अ टारगेटिंग नाउ नेक्स्ट इज अ पोजिशनिंग पोजिशनिंग मीन्स हाउ हाउ यू पोजिशन योर योर प्रोडक्ट इन दी इन दी माइंड्स इन माइंड्स ऑफ कंज्यूमर कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर के माइंड में कंज्यूमर के कंज्यूमर के माइंड में कैसे पोजीशन कर रहे हो इसको बोलते हैं पोजीशनिंग फॉर एग्जांपल अगर आपने मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा वो अपने आप को पोजीशन करते हैं फैमिली रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट को वो अपने आप को पोजीशन करते हैं और वोल्वो वोल्वो अपने आप को पोजीशन करती है सेफेस्ट कार सेफेस्ट कार अपने आप को पोजीशन करती है ठीक है तो ऐसे ब्रांड्स हैं कुछ जो अपने आप को पोजीशन करते हैं पोजीशनिंग का मतलब कि आप कंज्यूमर के माइंड्स में कैसे अपनी इमेज बना रहे हो कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो थैंक्स फॉर वॉचिंग